हाय, मैं नमित मुकेश और आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में और एक नए सीरीज के साथ। इस सीरीज का नाम है यू मी एंड ट्रेड। जैसा कि आप थंबनेल्स देख रहे हैं, इस थंबनेल्स में हमने लिखा है ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर अप डाउन साइडवेज एंड नॉन डायरेक्शंस। ये जो हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी पे जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें मैंने लिखा है अप। अप का मतलब होता है अगर आपका मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूविंग कर रहा है, दैट मीन्स बुल मार्केट हम कहेंगे। अगर मार्केट हमारा डाउनवर्ड जा रहा है, दैट मींस बेरिश मार्केट हम कहेंगे। अगर मार्केट हमारा कहीं नहीं जा रहा हो, दैट मींस एक बार थोड़ा ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा नीचे आ रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, दैट मींस जिगजैग मौसम में हो, तो ऐसे मार्केट को हम साइडवेज मार्केट कहेंगे। और ऐसा मार्केट जो कि कहीं नहीं जा रहा हो, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आज का मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। आई एम टॉकिंग अबाउट इन लाइव मार्केट। जब आपका मार्केट स्टार्ट होता है तब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ये इंडिविजुअली हो सकता है, हो सकता है मेरे लिए मुझे समझ में आ रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, बट कोई ऐसा ट्रेडर जो उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ऊपर जा रहा है नीचे रहा है, ये इंडिविजुअली होता है। तो आपको उस ऐसे मार्केट में आपके लिए क्या करना चाहिए, ऐसे ये सारी स्ट्रेटेजी मैं आपको वन बाय वन समझाने की कोशिश करूंगा। और आज जितना हो सकता है मैं कोशिश करूँ, क्योंकि ये कंप्लीट सीरीज चलेगा। एक बार आपके जितने भी स्ट्रेटेजी वो मैं बताऊंगा, फिर मींस बुल मार्केट का जितने भी स्ट्रेटेजी वो समझाऊंगा, फिर डाउनवर्ड की जितने भी स्ट्रेटेजी मींस बेरिश का जितना भी स्ट्रेटेजी होगा जो परफेक्ट होंगे उन्हीं के ऊपर मैं बात करूंगा। साइडवेज मार्केट के बारे में भी बात करूंगा, साइड में जिसमें कौन सा स्ट्रेटेजी चलेगा, अगर आपको नॉन डायरेक्शंस है उसमें भी क्या समझ कौन सा स्ट्रेटेजी होगा जो परफेक्ट आपके लिए हो, उन पर भी मैं बात करूंगा। जितना हो सकता है मैं करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा जब आप मार्केट में जाएंगे। तो आप जो भी बिजनेस है या फिर जो थोड़ा सा प्रोफेशनल भी है, जानते भी हैं, मैं उनसे ही कहूंगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए रिविजन्स का काम करेगा। तो ये वीडियो सबके लिए है, ओवरऑल वीडियो है, आपको समझना होगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी के साथ पैसा बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अब मैं चलता हूं कि वीडियो में कैसे क्या करना है। सबसे पहला है, किसी भी स्ट्रेटजी को समझने के लिए तीन चार पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, मार्केट सबसे पहला है, हमें ये जानना जरूरी होता है कि मार्केट किधर जाने वाला है, कहां से यहाँ पे खुल रहा है तो क्या होगा, कितना पॉइंट अप होंगे, कितना पॉइंट नीचे होगा, उसके बीच में क्या हो सकता है, ये डिस्कशन हमें पहले ही होना हो जाना चाहिए, हमें पता से करना चाहिए। उसका टूल्स एंड टूल टेक्निक क्या है मैं वो आज डिस्कस करूंगा और मैं वो दिखाऊंगा भी कैसे हम करते हैं। राइट नाउ ये सो हमारा ये मूविंग, अगर मार्केट आपका मूव अपवर्ड हो रहा है दैट इज कॉल्ड द बुल मार्केट हम कहेंगे, अगर मार्केट डाउनवर्ड हो रहा है दैट इज कॉल्ड द बेरिश मार्केट कहेंगे, बेयर मार्केट कहेंगे। अगर ये अगर मार्केट कहीं नहीं जा रहा, दिस मीन्स थोड़ा सा ऊपर जा रहा है रेसिस्टेंस के पास, फिर नीचे आ रहा है सपोर्ट के पास, फिर अगेन अपवर्ड जा रहा है रेसिस्टेंस के पास, सपोर्ट के पास, यही कि मार्केट अप डाउन हो रहा है, ऐसे मार्केट को हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं। ये जो मार्केट है, इस मार्केट में कंप्लीटली रूप से एज अ ट्रेडर के लिए बहुत ही कन्फ्यूजिंग होता है कि भाई ये मार्केट क्या करने वाला है, किधर जाने वाला है। तो मेरे लिए मुझे समझना बहुत जरूरी होगा और मुझे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो ऐसे मार्केट को मैं ये कहूंगा ये मेरे लिए नॉन डायरेक्शनल मार्केट है। तो ऐसे में हमारा क्या स्ट्रेटजी हो सकता है जिसमें हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। राइट नाउ सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारा एक्सेल सीट है। मैं आप ये जो आप वीडियो के एंड में अगर जो भी मेरे फॉलोअर्स जो भी देखना चाह रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं देखेंगे, मैं उनसे कहूँ अगर ये एक्सेल सीट आपको चाहिए होगा तो आप हमें मेल आईडी भेजें, मैं आपको मेल आईडी के थ्रू ये एक्सेल सीट कंप्लीट रूप से आप शेयर भी कर दूंगा। राइट जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मार्केट विल ओपन अप एंड डाउन, तो हमें आज मार्केट क्या होगा, कितना खुलेगा, कितना नीचे जाएगा, इसमें लिखा है वन ईयर 365 डेज रूट स्क्वायर इतना होता है। और ये कंप्लीट समझने के लिए हम सीधा एक्सेल सीट पे जाते हैं तो आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मार्केट विल ओपन, जैसा कि हमने लिखा है मार्केट विल ओपन अप एंड डाउन, आपको यहाँ पे क्या है, एक सबसे बड़ी बात है फॉर्मूला है, वन ईयर में 365 डेज होते हैं, इसको जो स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट उसका निकल के आता है 19.1। एक्चुअली इसका रूट स्क्वायर रूट क्यों निकालते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पे जाते हैं,
ये जो किसी भी, क्योंकि हमारा जो आज की मूविंग है, हमारा टोटल एक साल में कंप्लीट रूप से ट्रेडिंग होती है, राइट। अगर हमारा एक साल में 365 डेज होते हैं, उन 365 डेज में ही हम एक साल के अंदर में ट्रेडिंग करते हैं, उसमें सैटरडे संडे को अगर आप निकाल दो और कुछ छुट्टियां हैं उनको भी निकाल दो, तो आप बहुत कम हो जाते हैं, राइट। तो इसका 365 डेज के लिए आप हमें जो देखना होता है वो रेडिकल फॉर्म में होता है, और इस रेडिकल फॉर्म को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए जिसमें डेली बेसिस पे जो वॉलिटिलिटीज होते हैं, जो वॉलिटिलिटीज का डेटा होता है, उस डेटा को समझने के लिए हमें इस 365 डेज का स्क्वायर रूट निकालना होता है। 365 डेज का स्क्वायर रूट निकालने के बाद हमें, हमारे पास जो आता है वो 19.1 आता है। अगर आप इसको भी समझना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपको, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाल के रखा है, राइट, 365 डेज का अगर आप स्क्वायर रूट देखोगे, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 365 डेज, तो आपका ये चीज निकल के आ जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे तो ये फॉर्मूला भी आपको सामने आ जाएगा, और यहाँ पे जो आते हैं नियर अबाउट 19.10 इतना आता है। तो हमने एक राउंड फिगर ले लिया है यहाँ पे 19.1, राइट। अब दूसरा आपको मैं ये सारे फॉर्मूलाज को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या किया है हमने, ये जो हमारा विक्स है, इंडिया विक्स को निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपको सीधा टाइप करना है। जैसे ही आप ये काम आपको 9 बजे से पहले करना, मतलब 8 बजे के नियर अबाउट आप ये सब करके रख दो, 8-8:30 के बीच में आप कंप्लीट करके रख लो, या फिर 9 बजे से पहले ये सब काम आपको कंप्लीट रूप से करके रख लेना है, ताकि, क्योंकि ये सब करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो मेरा एक्सेल सीट है, आप उस एक्सेल सीट पे जाके आप करोगे तो बहुत जल्दी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया। आपको सीधा यहाँ पे टाइप करना है इंडिया विक्स, इंडिया विक्स पे इंटर मारोगे, ये अभी क्या है, थोड़ी देर पहले का, मीन्स अभी आज का, मीन्स जब एंड हो गया तब का है इंडिया विक्स। हमें ऐसा नहीं, मॉर्निंग में जो इंडिया विक्स, अगर आप ये देखो कि 0.6% ये ग्रोथ किया है, अगर उसके हिसाब से देखो तो 3.83% के हिसाब से ग्रोथ किया है, तो इसमें 16.33 में 60 को माइनस कर दोगे तो आज मॉर्निंग का जो भी विक्स हो गए वो आपको निकल के आ जाएगा। तो हमने इसका आपको निकाल के मैं दिखा देता हूँ क्या है। आप यहाँ पे मॉर्निंग में करोगे, इंडिया विक्स डालोगे, आपको जो भी यहाँ पे फिगर आएगा इस फिगर को कॉपी करना है और यहाँ पे डालना है, करेक्ट। तो आपको मैं आपके सामने कर देता हूँ, ये यहाँ पे इसका कॉपी करना है और इसमें 60 माइनस करोगे जो भी फिगर आएगा, तो आपका, क्योंकि अभी हम निकाल रहे हैं इस, ये जो हमारा इंडिया विक्स अभी का दिखा रहा है, मीन्स आफ्टर मार्केट का दिखा रहा है, आपको बिफोर मार्केट का लेना है, तभी बिफोर मार्केट में इंडिया विक्स जो था वो 15.73 था। आपको वहां से कॉपी करके सिर्फ इस जगह पुट करना है, पुट करने के बाद ये कंप्लीट फिगर बन के आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे जैसे करोगे तो निफ्टी का हमारा ये है, निफ्टी जो हमारा अभी मॉर्निंग में था, कल का जो निफ्टी था 22,198 पे था। तो आपको यहाँ पे इंडिया विक्स को डालना है और यहाँ पे आपका जो स्पॉट पॉइंट है जो मॉर्निंग में रहा है, मीन्स कल के डेट का, उसको उठा के यहाँ पे डाल देना है। जैसे आज का जो इंड होगा वो मुझे कल ये डाल के देखना है, क्योंकि इंडिया विक्स का लेना बहुत जरूरी है फिगर को, कल का हम ये फिगर को डालेंगे और उसके बाद जो स्पॉट पॉइंट है उसको डालेंगे। तो डालने के बाद ये फॉर्मूला हमें ये दिखा देगा इसका जो अप क्या होगा और डाउन क्या होगा, राइट। अब ये जो फिगर आने के बाद ये जो चीजें हैं वो एडजस्टमेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे हमारा जो कमेंट सेक्शन में एडजस्टमेंट है, और ये जो एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट निफ्टी में हम प्लस पॉइंट देते हैं, जो भी हमारे पास ये फिगर आता है उसमें प्लस पॉइंट, प्लस इसमें प्लस और इसमें माइनस करते हैं, तो हमारे पास ये कंप्लीट फिगर बन के आ जाता है और इसी के रेंज में आप देखोगे आसपास में ही मूव करता हुआ दिखेगा। नाउ अगर हम बैंक निफ्टी में जाएंगे तो वहां पे 200 पॉइंट्स को हम ऐड करेंगे, दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट, और तो ये जो हमारा कंप्लीट फिगर आया, इस फिगर में 200 प्लस, इस फिगर में 200 माइनस करेंगे तो हमें ये फिगर आ जाएगा। और ये फिगर आप अगर देखते हो यहाँ पे, अगर आप चल के देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। बैंक निफ्टी जैसे देखो अभी 624 प्लस माइनस में है, तो आपका ये फिगर आ रहा है 45,963, तो हमारा ये जो फिगर आ रहा है 45,953, इसी के रेंज में 10 पॉइंट ऊपर या 10 पॉइंट नीचे, इसी के रेंज में आपका ये मार्केट है। तो दैट मीन्स
ये जो फॉर्मूला है आपको इतना समझ में आ गया कि निफ्टी में 22,431 ऊपर और 21,965 डाउन, अगर आप इसको देखोगे तो आपको यहाँ पे भी 21,951 और यहाँ पे क्या है 21,965, दैट मीन्स 10 और 20 पॉइंट्स इधर उधर होंगे, राइट? तो यहां से हमें फिगर समझ में आ गया कि ये पॉइंट है जिसके बीच में मार्केट ऊपर या नीचे होगा, राइट? ये चीज हमें अभी समझ में आ गया, तो बहुत इजी हो गया कि अभी मार्केट किस कितना रेंज में घूमेगी, करेक्ट? अब इनके अगर आपको फॉर्मूलाज देखना हो तो मैं आपको यहाँ पे इंडिया बेस का यहाँ पे आ गया, आपको फॉर्मूला यहाँ पे कुछ नहीं सिर्फ रखना है, मेन फॉर्मूला यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे सिर्फ हमने प्लस किया, यहाँ पे माइनस किया, सेम चीज यहाँ पे रिपीट है, आपको बस इस सारी चीजों में करना है। अगर आपको कहीं भी किसी तरह का कोई भी दिक्कत होता है, नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे बस अपना मेल आईडी डालोगे, मैं आपको ये एक्सेल शीट मेल के थ्रू भेज दूंगा, करेक्ट? नाउ इट्स क्लियर, अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है? दूसरा एक तो ये तरीका है, अब मूविंग उस दिन भी हमने बताया था आपको, मेरा एक प्रॉपर वीडियो ये भी है कि आपको ये मूविंग आइडेंटिफाई करना है कि हमारा मार्केट आज ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये चीजें हमें समझना है। दूसरा इसमें सबसे अच्छी बड़ी सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमें ऑप्शन चेंज को भी जानना होता है कि ऑप्शन चेंज में क्या है। अगर हम किसी आपको दूसरा मैं एक और पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ, मैं ये बता देता हूँ कि 9:09 पे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9:09 पे आपका सॉरी 9 बजे कंप्लीट 9 बजे में आपको यहाँ पे मार्केट खुल जाता है, जो इंटरनेट खुलता है आपके लिए नहीं, कंप्लीट मार्केट के लिए होता है, और यहाँ पे जो भी नंबर आप फिगर होगा, जो भी चेंजेज होगा यहाँ पे आपको दिखेंगे, राइट? और यहाँ पे भी आपको दिखेगा, तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारा मार्केट कहाँ पे और किस जगह हो रहा है। 9:09 पे ये मार्केट कंप्लीट रूप से स्टॉप हो जाता है, जितना ऊपर चढ़ा या नीचे चढ़ा जो भी होंगे स्टॉप हो जाएगा, तो ये पता चल जाएगा कि आज मार्केट इतना पॉइंट ऊपर और इतना पॉइंट नीचे चढ़ के या गैप अप और गैप डाउन में खुला है या खुल रहा है, राइट? ये चीज आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो बैंक निफ्टी का जो फिगर दिखता है वो 9:09 पे दिखेगा, बट निफ्टी जैसे ही ओपन होता है वैसे दिखना शुरू हो जाता है, निफ्टी का आप दिखेगा, बट बैंक निफ्टी का आपको 9:09 पे दिखेगा जब कंप्लीट रूप से सेटल हो जाएगा तो, राइट? इस तरह से आपको सेंसेक्स जैसे निफ्टी का खुलता है वैसे सेंसेक्स का भी खुलेगा, आपको दिखेगा, राइट? यहाँ पे आ गया। अब रही बात, अब हम अपने फिर से स्लाइड में आते हैं, अब स्लाइड में हमें जानना है तो फिर हम चलेंगे कि आगे क्या करते हैं। नाउ जब भी कभी हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे पास 3 टूल्स होते हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं। एक तो ITM होता है, इन द मनी होता है, एक होता है ATM और एट द मनी, एक होता है OTM जो आउट ऑफ द मनी होता है। मैं आपसे बहुत ही क्लियर तरीके से ये बताना चाहता हूँ, आप जिस पे भी काम करना चाहते हैं, अब बेस्ट तरीका होगा कि आप ATM पे ही काम करें, तो ATM वाला जो काम होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से काम होगा और वहां पे आप अच्छे तरीके से कर भी सकेंगे, क्योंकि मैं यही चीज समझाना चाहता हूँ कि ATMs का यहाँ पे कमाल क्या है वो आप समझे। जैसे एग्जांपल हमारा जो ये फिगर है यहाँ से यहाँ चल रहा है, ओके, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड हो जाता है, दैट मीन्स इस जगह से शुरू होता है, इस जगह पे खड़ा होता है, और ये जो बीच में सेंटर पॉइंट है हम उसको सेंटर पॉइंट मान लेते हैं, जहाँ पे ये जीरो मानते हैं, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 100% मान रहे हैं तो इस लाइन के इस तरफ राइट साइड 50%, लेफ्ट साइड 50% मान सकते चल सकते हैं, करेक्ट? अब दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेल्टा वैल्यू जो रेंज जो चलता है वो 0 से लेके 1 के बीच में होता है, तो दैट मीन्स अगर इसका हम सेंटर मान रहे हैं तो इसमें 0.5% मान सकते हैं और 0.5% दिस साइड और 0.5% दिस साइड, देन मिला के 1 होगा, करेक्ट? नाउ एट द मनी में अगर आप बाय करते हैं किसी भी चीज को तो यहां पे आप खड़े हैं, इसका मतलब 50% आप इस तरफ जा सकते हैं मींस नेगेटिव साइड में और 50% इस साइड जा सकते हैं या पॉजिटिव साइड में, दैट मीन्स आपका जो विनिंग प्रोबेबिलिटीज वो हो जाता है 50-50% का, करेक्ट? लेट मी
रिपीट वंस अगेन, एटीएम का जो विनिंग पॉइंट होता है, विनिंग प्रोबेबिलिटीज होता है, वो 50-50% का होता है। फिर से मैं बोलता हूँ, अगर ये एक लाइन यहां से लेके यहां तक अगर मैं 100 मान लूं, जो हमने ये लिखा 100%, इस बीच में ये लाइन है, इस लाइन को डिवाइड करें तो ये 50% है और ये 50% है, दैट मींस 50% इस तरफ, 50% इस तरफ। डेल्टा की जो वैल्यू, क्योंकि आप जब भी ऑप्शन स्ट्रेटेजी का काम करते हैं उसमें आपको डेल्टा, अल्फा, बीटा, गामा, ये सारी थीटा, ये सारी चीजें होता है जहां पे आपको काम करनी होती है, राइट। इतना सारा समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको डेल्टा को थोड़ा सा समझना है। और क्यों समझना है, बस यही समझना है कि एटीएम हमको लेना है, इतने एटीएम क्यों लेना है, बस इनको समझाने के लिए मैं आपको यह समझा रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं, राइट। इतना ज्यादा अगर जाएंगे तो हमें उतना नहीं करना है, बस इतना समझना है कि डेल्टा हमें कैसे काम करता है और क्यों करना चाहिए, हमें क्यों लेना चाहिए एटीएम। मैं इन द मनी की बात कभी ना करूंगा क्योंकि मैं कभी करते ही आपको एटीएम की बात कर रहा हूँ, तो एटीएम क्यों लेना चाहिए उसी की मैं बात करूँ। अगर डेल्टा का जो वैल्यू हमारा 0 से लेकर 1 के बीच में, एटीएम क्या होता है, जब एटीएम हम लेते हैं कि यहाँ पे 100%, दैट मीन्स हम इस जगह पे ले रहे हैं, तो यहां से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो ये शिफ्ट करेगा इन द मनी की तरफ। अगर इंडेक्स की तरफ शिफ्ट करेगा तो हमारा जो विनिंग प्रोबेबिलिटीज है वो 50% से बढ़ के जितना करेगा 60-70-100% 200% जो भी हो, ये होगा, राइट। अगर इसी तरह से निगेटिव की तरफ जाएगा तो हमारा विनिंग जो लूजिंग का प्रोबेबिलिटी है वो इस साइड में शिफ्ट होता है तो बढ़ता चला जाएगा और लास्ट में 0 हो सकता है। इसीलिए कोई भी प्रीमियम जो 0 होता है, आपको पता है कि ऑप्शन का प्रीमियम 0 होता है, तो इसी तरह से अगर आप एटीएम लेते हैं तो आपका 100% में से 50% प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाता है, या तो आप विन करेंगे या तो आप लूज करेंगे, करेक्ट। तो यहां से आपको समझ में आ जाए क्या कि हमें एटीएम क्यों लेना चाहिए। अगर आप ओटीएम लेते हैं, सपोज आपने ओटीएम ले लिया, सपोज जहां पे लिया, सपोज इस जगह का आपने ओटीएम का प्रीमियम लिया, अभी हम एटीएम ले रहे हैं तो प्रीमियम हमारा यहाँ है 0 पे है, इधर जाएंगे तो लॉस होगा, इधर जाएंगे तो प्रॉफिट होगा। अगर आपने ओटीएम का ले लिया, इस जगह के ले लिया, तो आप बहुत ज्यादा नियर हो लूजिंग साइड का, पहले से ही आप लूजिंग साइड में खड़े हो, और यहां से यहां तक आने में पहले आपको यहां से यहां तक कवर करना पड़ेगा, फिर यहां से यहां तक कवर होना पड़ेगा, तभी आप विनिंग में जा सकते हैं। अंडरस्टैंड, ओटीएम में आप जहां भी खड़े रहोगे वहां से इस 0 पॉइंट के पहले आना पड़ेगा, फिर 0 पॉइंट से इधर आना होगा, तभी आप विनिंग कर सकते हो। तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो गया, ओटीएम में आप जितना ज्यादा जाओगे ओटीएम में उतना ज्यादा विनिंग होने की प्रोबेबिलिटीज घट जाता है, तो आपको इसीलिए एटीएम का ही लेना चाहिए। और मैं आपसे बोलूंगा, यू हैव टू बी वर्क ऑन एटीएम्स प्रीमियम्स ओनली, डोंट बाय द ओटीएम्स, डोंट बाय द आईटीएम्स। सो आई वुड सजेस्ट यू टू, यू हैव टू ऑल द टाइम्स डू द एंड प्ले योर ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एटीएम्स बेसिस ओनली, राइट। तो हमें एक्स्ट्रा पेमेंट भी नहीं करना है, यह बहुत कम भी नहीं करना है, जो हमारा एटीएम का हमें वही करना है। शायद आपको समझ में आ गया होगा हमें एटीएम क्यों लेना चाहिए। अब आता है कि एटीएम्स लेने के लिए हमें क्या करना होगा। जब हम मार्केट में आते हैं तो सबसे पहले या तो आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में जहां भी आपको ट्रेड करना होता है मॉर्निंग में, आपको एक तो समझ में आ गया रेंज क्या है, दूसरा या निफ्टी का रेंज और बैंक निफ्टी का रेंज दोनों का समझ में आ गया। अगर हमने यहाँ पे क्लिक किया बैंक निफ्टी को, आप मैं फिर से कर रहा हूँ, कोई भी चीज का बैंक निफ्टी का यहाँ पे आप किया ऑप्शन चेंज में, तो आपका ये ऑप्शन चेंज खुल गया, राइट। अभी देखो बैंक निफ्टी का आज का 29 में आपके जो बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग है वो खत्म हो रहा है, राइट। अब हमारा मंडे का मीन्स टुडे टुमारो, राइट, टुडे 6 मार्च का हमें 6 मार्च पे जाना है। तो 6 मार्च पे हमने जब गया तो यहाँ पे हमारा जो बैंक निफ्टी का एट द मनी क्या होगा, वो 45,900 का होगा।
तो 45,900 का जो हमारा प्रीमियम क्या दिखा रहे हैं, LTP 560। और इस साइड में अगर देखें तो इसका बैंक निफ्टी में कॉल साइड का, दिस इज द कॉल साइड एंड दिस इज द पुट साइड, राइट। तो पुट साइड में हमें दिखा रहा है ये वाला भी 560 का, तो दैट मीन्स कॉल साइड एंड पुट साइड का दोनों का LTP लगभग सेम दिख रहा है। तो आप यहां से इसको बाय कर सकते हैं, यहां से बाय कर सकते हैं डायरेक्टली, नो नीड टू बी गो हियर, नो नीड टू बी गो हियर, यू कैन डायरेक्टली बाय फ्रॉम दिस ऑप्शन चेन, दिस इज द ऑप्शन इज देयर, यू कैन बाय, राइट, और डायरेक्टली यहां पे आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कोई भी स्ट्राइक प्राइस को लेने के लिए हमें क्या करना है। फिर से मैं दूसरा में अगर जाऊं तो निफ्टी पे ऑप्शन चेन में मैं क्लिक कर रहा हूं, ऑप्शन चेन में निफ्टी का क्लिक करने के बाद ये देखो निफ्टी हमारा खुल गया। कहां पे करना है क्लिक, निफ्टी में जाना है, ये वाला जिगजैग दिख रहा है यहां पे क्लिक करना है, तो आपका ये ऑप्शन चेन यहां पे खुल जाएगा। खुलने के बाद हमें जो चीज लेना है, सपोज निफ्टी का ATM क्या है अभी यहाँ पे 21,550, करेक्ट, यही है 20,950 का हमारा ATM है। तो हमें ATM तो अब समझ में आ गया कि कौन सा ATM कहाँ से लेना है, अब इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इधर उधर करना भी नहीं है, हमारे पास सारी चीजें हैं, हमें उसी तरीके से समझना है। नाउ अब हमें यहाँ से ATM हमने सेलेक्ट कर लिया। दूसरा, जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं ये चीजें हमें समझ में आया, ATM हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हमें क्या करना चाहिए, अब स्ट्रेटेजी किस तरह से बनता है वो चीजें हमें डिस्कस करना है। अब हम आते हैं ऑप्शन ऑप्स्टा, अगर आपके पास है तो ऑप्स्टा एक बेस्ट तरीका है, आपको उसके थ्रू भी काम कर सकते हैं। नाउ ऑप्स्टा में जब जाएंगे, ये कंप्लीटली फ्री है आपके लिए, इसमें कोई पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि मैं इसका मेंबरशिप मेरे पास है इसलिए मैं ऑप्शन सिमुलेशन में जा सकता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन सिमुलेशन में आप आ सकते हो, ऑप्शन सिमुलेशन में यहाँ पे आपकी जो स्ट्रेटेजी होंगे उसके जो बेस्ट प्रैक्टिस हो सकता है वो आप कर सकते हैं। नाउ हम ऑप्शन बिल्डर्स में आते हैं, तो ऑप्शन बिल्डर्स में जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपको ये लिस्ट दिखेगा। इस लिस्ट में आप यहाँ पे जाके देखें, बुलिश है, यहाँ पे बेरिश है, यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल है। अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि हमारे पास तीन चीजें सामने होता है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, ये मार्केट रेंज में रहेगा या फिर मार्केट नॉन डायरेक्शन, मेरी तरह नॉन डायरेक्शन रहेगा, मेरी तरह मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हमें क्या क्या करना है। अगर आप हमको अबे हमारा समझ में आ रहा है कि नहीं मार्केट बेरिस है, बेरिस मार्केट है तो हमें बेरिस में जाना चाहिए, अगर मुझे लग रहा है ना ये बुलिस है तो हमें बुलिस में जाना चाहिए। अब आते हैं, मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा, आज के लिए मैं 2-3-4 पॉइंट में बता के चला जाऊँ, इस वीडियो को एंड करूंगा। कल से मीन्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो भी होंगे वो बुलिस के कौन कौन से पॉइंट्स होगा मुझे जानना है और आपको भी बताना है, समझाना है, हम उसी पे बात करेंगे। नाउ बुलिस मार्केट, जब हमें ये पता चला गया कि आज मार्केट अपवर्ड की तरफ है, बुलिस की तरफ है, ऊपर जाएगा, हायर है बनाएगा, तो हमें यहाँ पे जितने भी हैं उस पे सारे पे हमें काम नहीं करना है, ज्यादातर हमें काम करना है बुलिस बटरफ्लाई के ऊपर। अगर आप इन पे काम करते हो तो बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट की जरूरत होती है, और एडजस्टमेंट अगर आपने नहीं कर पाया ढंग से तो आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप बुलिस में चलते हैं, बुलिस बटरफ्लाई में, इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे लॉन्ग सीधा, अगर आपने बाय कर दिया तो लॉन्ग हो गया, सीधा आपने शॉर्ट कर दिया तो नीचे चला गया। यहाँ पे बुल और बुल कॉल स्प्रेड अगर आप लेते हो तो यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड ये होता है कि आपको बाय और सेल दोनों एक साथ कर रहे हैं, बुल पुल स्प्रेड होता है कि जब अगर बुल और इसमें भी बाय एंड सेल दोनों कर रहे हैं बट एक का प्रीमियम ज्यादा दूसरे का प्रीमियम कम होता है, इस तरह के होते हैं। उसी तरह से कॉल रेशियोज बैक स्प्रेड है, उसी तरह से लॉन्ग है, उसी तरह से रेंज है, उसी तरह से अब बटरफ्लाई है, बुलिस बटरफ्लाई एंड बुलिस कॉन्डोर है। तो हमें ज्यादा काम दो चीजों पे करना है, या तो बुल कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड ये, और प्लस बुलिस बटरफ्लाई,
इन पे हम डिस्कस कल करेंगे। नाउ बेरिस में अगर चलें तो हमें बेरिस वाले में मैं ये देखूं तो वहां पे भी हम इन्हीं तीनों पे काम करेंगे। मेन है सेम बेरिस कॉल स्प्रेड और बेयर पुल स्प्रेड। नाउ अगेन अगर हम यहाँ पे आते हैं तो बेरिस बटरफ्लाई एंड ये जो कॉन्डेंस है ये हम काम करते हैं इसके ऊपर तब करते हैं कि चलो फिर हमने ले लिया, डिस्कस करना है, बहुत लॉन्ग है, क्या पता मार्केट किस तरह से रहे, बहुत हो सकता है एकदम साइडवेज मार्केट रहेगा तो हमें इस तरह का अगर ऐसा दिख रहा है तब हम इसमें ले। और ये चीज़ें हमें लगता है कि नहीं इसमें वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छा वॉलीटिलिटी के साथ हमारा ये मार्केट आज चलेगा या काम कर रहा है या छोड़ रहा है, अगर आपको दिख रहा है ऐसा तभी लेंगे। क्योंकि आजकल का जितना भी मार्केट है बहुत ज्यादा हाई बहुत ज्यादा लो, एक ही दिन में 400-500 पॉइंट ऊपर, एक ही दिन में 400-500 पॉइंट नीचे, 600-700-800 पॉइंट ऊपर नीचे होता रहता है, तो हमें ज्यादा सोचना नहीं है, हमें इस पे ही बात करना है। और इसी पे इसमें ही दो चीजें, एक चीज और हो जाता है कि यहाँ पे आप हेज भी कर सकते हैं, अगर दूसरा स्ट्रेटेजी लेंगे वहां हेज नहीं होगा और इस जगह पे स्ट्रेटेजी पे हेज कर सकते हैं। और हेज करके चलना ज्यादा बेटर है क्योंकि मैं वो भी समझाऊंगा कि आपको हेज क्यों करना चाहिए, क्योंकि इसमें लूजिंग कैपेसिटीज लूजिंग प्रोबेबिलिटीज कम हो जाता है, विनिंग प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाता है जब आप हेजिंग करते हैं। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपका फंड होता है, अगर आप इसमें हेज करते हैं तो आपका फंड कैपेसिटीज कम हो जाएगा। अगर आप सिर्फ बाय और सिर्फ सेल और सेल करते हैं, कॉल सेल पुट सेल दोनों कर दिया, सिर्फ सेल करेंगे तो आपका जो फंड है बैलेंस बहुत ज़्यादा होगा, अगर आप सेल का भी कर रहे हैं और प्लस हेजिंग कर रहे हैं तो आपका फंड कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। नाउ उसके बाद नॉन डायरेक्शनल में भी हमें किस किस से चीज़ों पे डिस्कस करना है मैं वो भी आज बता दे रहा हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा हमें डिस्कस, मैंने आपको वही फिर से बोल रहा हूँ, कॉल इसमें हम जो डिस्कस करते हैं जब आपको ये समझ में आए कि पता नहीं क्या होगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, किधर जाएगा ना आपको समझ में नहीं आया, तो हम कॉल बटरफ्लाई पे काम करते हैं और प्लस शॉर्ट आयरन फ्लाई में बात करता हूँ और लॉन्ग आयरन फ्लाई पे भी हम डिस्कस करेंगे। राइट, हमारे पास 4-5 पॉइंट्स हैं और इन सारी चीज़ों पे मैं एक ओवरव्यू जरूर दे दूंगा। जैसे शॉर्ट स्ट्रंगल है, लॉन्ग स्ट्रंगल्स है, यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रंगल है, यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रंगल है, और भी बहुत सारी चीज़ें, इतना सारा चीज़ों को जानने की ज़रूरत है भी नहीं। यहाँ शॉर्ट स्ट्रेटल है, लॉन्ग, ये सब चीज़ों पे मैं बात करूँगा, शॉर्ट स्ट्रेटल, लॉन्ग स्ट्रेटल और शॉर्ट स्ट्रेंगल्स, लॉन्ग स्ट्रेंगल्स प्लस लॉन्ग बटरफ्लाई एंड शॉर्ट बटरफ्लाई एंड लॉन्ग आयरन फ्लाई, शॉर्ट आयरन फ्लाई, और ये डबल्स एक दो बार मैं देख के आपको बता ही दूंगा कि वहाँ पे कैसे हैं। और जैसे कॉल बटरफ्लाई उसी तरह से पुट बटरफ्लाई इस तरह से होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे हम डिस्कस करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा यहाँ से सीरीज शुरू होगा बुलिश से, फिर बेरिस पे मैं आऊँगा, फिर नॉन डायरेक्शनल्स पे आके कंप्लीट करके आपको ये सीरीज कंप्लीट कर दूँगा। राइट, तो आपको इस हमारे वीडियो में बने रहना है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग होगा तो आप भी बोलोगे मैं भी बोल रहा, समझाना बहुत लंबा हो जाएगा, आप रुकेंगे नहीं। राइट, तो बेस्ट होगा कि हम एक एक सीरीज को शुरू करें, एक एक चीज़ को कंप्लीट करें। पहले मैं बुलिश को कंप्लीट करूँगा, फिर बेरिस करूँगा, फिर नॉन डायरेक्शनल करूँगा, तो आपके एक कंप्लीट सीरीज तैयार हो जाएगा और आपके लिए बहुत बेस्ट तरीके होंगे जो आपको समझना है। राइट, चलिए अगर सबसे बेस्ट जो बेसिक चीजें मैंने आपको समझा दी और इस पे अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं और आपके लिए वैल्यूफुल टाइम है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यस हमने हमारा जो टाइम बहुत ज़्यादा खराब नहीं हुआ, बहुत कुछ समझने को मौका मिला और हम समझ भी सकें, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी आपको लगता है कि नहीं मुझे दोबारा देखना चाहिए तो आपको बार बार जाके दे सकते हैं, जहाँ जहाँ आपको समझने की ज़रूरत होगी आप वहाँ पर समझ सकते हैं। और जो भी कहीं अगर प्रॉब्लम्स होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दूसरा चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ों पर आपको ऐसा लगे कि इस चीज़ पर वीडियो बनना चाहिए और आपके लिए वो बेनिफिटेबल हो सकता है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी काम कर सकता हूँ और आपके लिए ही काम करूँगा। राइट, नाउ दूसरी चीज़ सबसे मैंने ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको जो भी चीज़ें हमारा वीडियो वगैरह कुछ भी आपके लिए प्लस पॉइंट दे रहा है, वीडियो कुछ आपके इंफॉर्मेशन होते हैं, इंफॉर्मेटिव है, आपके लिए वैल्यूफुल है,
तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर दबा सकते हैं। मैं लास्ट में आपको तहे दिल से बोलता हूँ थैंक यू, आप अच्छे रहें और जरूर से जरूर आप अपने इस जर्नी में सक्सेस